हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल गाइज मैं हूं संदीप सर और हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग लर्न करने वाले हैं पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल की डिटेल स्टडी होगी राइट बट बिफोर दैट क्या हिस्ट्री exactly है एलिमेंटल की एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की ऑन एन ऑल कुछ डिफरेंट uh, साइंटिस्ट ने क्या एक्जैक्टली अटैम्प्ट किए थे ये सारी चीजें हम लोग आज नोट करेंगे ठीक तो है तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का राइट right? अब देखो बच्चों यहाँ पे अब... ओल्ड सिलेबस में एक्चुअली कुछ कांसेप्ट्स थे लाइक डोबेनियर ट्रेड्स न्यूलैंड्स ऑक्टेव मेंडेल्यू पीरियोडिक टेबल भी लर्न करना था अब यहाँ पे वो सारी चीजें सिर्फ जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन दे दिया है अल एक्सप्लेन कि किस तरह से वो क्लासिफिकेशन हुआ था एंड देन आफ्टर प्रॉपर हमें यहाँ पे इस चैप्टर पे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी पीरियोडिक टेबल्स है उसके ब्लॉक्स कितने हैं एंड ऑल ठीक है थोड़ा बहुत आई थिंक आइडिया आपको होगी भी जो लोअर क्लास uh, में चैप्टर था बट अभी अभी वो सिलेबस में से डिलीट कर दिया एक्चुअली एंड देन उसके बाद कैरेक्टर्सटिक्स ऑफ दी एलिमेंट्स ओके तो ये सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे स्टार्ट करते विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गाइस पहले तो देखो इन इन अर्ली जब केमिस्ट्री ब्रांच डेवलप हो रहा था से फॉर एग्जांपल इन अर्ली 19th सेंचुरी में ठीक है तो इन अर्ली 19th सेंचुरी नियर अबाउट 30 एलिमेंट्स कुछ पता थे ठीक है 30 एलिमेंट्स नोन uh, थे एट दैट टाइम और उस थर्टी एलिमेंट्स को जनरली बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया था एज मेटल्स ठीक है नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स

न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था हर दिन आई मीन टू यू नो कुछ सर्टन टाइम के बाद न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट थी और uh, हम लोगों को एज अ ह्यूमन बींग इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज एट अ टाइम ठीक है तो इसीलिए uh, ऐसा लगा कि uh, क्यों ना हम एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई कर ले एक ऐसी क्लासिफिकेशन मेथड हम लोग डेवलप करें जहाँ पे उन सभी की प्रॉपर्टीज याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो ये एटॉमिक नंबर हो एटॉमिक मास नंबर हो वो याद रखना आसान हो जाए और इसीलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से कुछ अटेम्प्ट किए थे ठीक है तो जो द फर्स्ट अटैम्प्ट जो लिया था दैट वॉज

ठीक है तो increasing order of, uh, order of atomic mass ले लिया था बच्चों एलिमेंट दैट इज कॉल्ड टू एटॉमिक मास सो जो भी एलिमेंट उस वक्त पता थे उनका एटॉमिक मास था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया उनको और एक थ्री थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बना लिया उन्होंने ठीक है कुछ आई थिंक द एलिमेंट हार्डली वो तीन ग्रुप ही बना पाए कुछ आठ दस एलिमेंट वो यू नो सेट कर पाए तो इसीलिए वो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मेथड उस वक्त यू नो एक्सेप्ट की नहीं uh, थी दिस साइंटिस्ट ने तो फिर न्यूलियंस डोबिनेट ऑक्टेव के बाद फिर एक और मेथड डेवलप हुई जो है थी न्यूलिनस ऑक्टेव अब न्यूलैंड सॉफ्टवेयर में बच्चों क्या हुआ था अगेन न्यूलैंड ने भी वही फॉर्मूला से अप्लाई किया जो से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बट यहां पे उन्होंने क्या रखा कि एक एक एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे प्लेस कर दे गे. जो एट्थ एलिमेंट था वो एग्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने रखा और वापस वो हॉरिजेंटली ऐसे गए इस तरह से एटॉमिक मास 40 तक एटॉमिक मास 40 यानी कैल्शियम तक उन्होंने एलिमेंट को अच्छे से प्लेस कर लिया जहां पे उन्होंने देखा कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी ठीक है बट कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट आते थे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया वो उस सेटअप uh, uh, में फिक्स हो नहीं रहा था बच्चों ठीक है तो गाइस यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव अब ऑक्टेव क्यों कहा जाता है ऑक्टा यानी एट राइट तो जो म्यूजिकल नोट्स है ओके okay? तो म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से एक्चुअली उनको से uh, सेट uh, 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 कर लिया जहाँ पे 1 2 3 4 5 और जो, जो 8th एलिमेंट

अबाउट इन है 1869 में ने अपनी क्लासिफिकेशन मेथड प्लेस कर ली जहां पे उन्होंने एक वर्टिकल कॉलम्स हॉरिजॉन्टल रोज बना लिए वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में उन्होंने रखे नियर अबाउट 63 एलिमेंट उस वक्त पता थे

ये एलिमेंट्स को uh, key, कुछ केमिकल uh, प्रॉपर्टीज भी उन्होंने एक्चुअली करेक्ट निकले uh, तो एक, 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 एक अच्छा वा, यहाँ पे भी वही चीज न, 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 you know, न, 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 अंडर कंसिडरेशन uh, थी जैसे की uh, डोबिनेट्रेड में भी एटोमिक मास कंसिडर किया न्यूलैंड ऑफ्ट में भी एटोमिक मास ही कंसिडर किया न्यूलेंड्स ने इवन मेडेली पीरियोडिक टेबल ने भी Mass ही, order of mass ही किया बट एक चीज और अच्छी यूज कर, uh, you know, uh, uh, कर ली मेडलि uh, ने जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ले ही लिया उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने कंसिडर किया था कभी कभार ऐसा भी हुआ जब वो एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे अपने पीरियॉडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास कुछ एलिमेंट्स यू नो उस ग्रुप में सिमिलर आ नहीं रहे थे तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी उन्होंने वो एलिमेंट्स को अपने ग्रुप में रख दिया शायद उस वक्त जो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक थी टू कैलकुलेट दी एटॉमिक मास वो उन्होंने कहा कि वो शायद परफेक्ट ना हो आई मीन टू से 100 परसेंट करेक्ट ना हो तो शायद से वहाँ पे एरर हो सकता है इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एटोमिक मास

राइट प्रॉपरली बिकॉज आपको ये एग्जाम में जरूर आएगा एक मार्क के लिए आता है तो मेंटली पीरियोडिक लॉ क्या है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स Are the periodic function of their atomic masses? Periodic function of their atomic.

जहाँ जहाँ उनको लगा कि ऑर्डर ये एटॉमिक मास नहीं इंक्लूड करना है जहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है कंसीडर करनी है तो ये भी उन्होंने किया था एडवांटेज ये था कि जो ऑल एलिमेंट 63 एलिमेंट जो थे पता थे वो सारे के सारे वहाँ पे उन्होंने प्लेस कर ही दिए एट द सेम टाइम

नेक्स्ट जैसे जैसे डे बाई डे केमिस्ट्री ब्रांच डेवलप हुई थी और न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे बच्चों ठीक है एंड इन नाइनटीन थर्टीन हेनरी मोजली वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये मेंडली पीरियोडिक टेबल हालांकि ये एक्सेप्ट ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो चुका था कि इस तरह से ही पीरियोडिक एलिमेंट uh, को क्लासीफाई करना है और मेंडली पीरियोडिक टेबल एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता था उस पर्टिकुलर टाइम पे बट जैसे जैसे ब्रांच डेवलप होती रही न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे ठीक है तो फिर यहाँ पे नाइनटीन में हैनरी मोजली वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द एटॉमिक मासमिक नंबर कंसिडर कर लिया ठीक है और उनका मानना था कि एवर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ आई मीन टू से नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली नॉट एलिमेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है

टेबल फर्स्ट विल गो फॉर मॉडर्न पीरियोडिक लॉके स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं सिंपली यही स्टेटमेंट यही वाला स्टेटमेंट सिर्फ ये अटोमिक मास को हटा के अटोमिक नंबर लिखना है बाकी तो एवरी थिंग इज सेम ओनली ठीक है तो लिख लेता है फिर दिज वन स्टेटमेंट the physical and chemical properties of the elements properties of the elements are the periodic function

तो चलो ये फर्स्ट ये ग्रुप लिखा बात कर लेता हूं ग्रुप वन टू इट इज ऑलरेडी ये ये फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ ठीक है तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है टोटल सेवन हॉरिजॉन्टल रोज है एंड वर्टिकल कॉलम कितने बच्चों टोटल एटीन वर्टिकल कॉलम्स है तो

क्यों ऐसा बोला जाता है एवरीथिंग विल गोइंग टू सी ओवर हियर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल अब बच्चों देखो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये पहले दो ग्रुप है राइट right? तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 इन दो ग्रुप को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट आई विल राइट ओवर हियर थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो ये नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा मैं नंबर प्लेस कर लेता हूं ओके okay, ये सेवन पीरियड्स ठीक है ओके अब बच्चों ये जो टोटल ग्रुप्स एंड पीरियड तो समझ में आ गया ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन ग्रुप्स ठीक है तो so, ये टेन ग्रुप को कहा जाता है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व राइट दिस ग्रुप आर कॉल्ड टू बी और दी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दैट ग्रुप

टू सीरीज एटॉमिक नंबर से फिफ्टी सेवन टू सेवेंटी एंड एटी नाइन टू वन जीरो थ्री देखिए एटोमिक नंबर की ये, दो सीरीज है ठीक है अब यहां पर ग्रुप नंबर थर्टीन टू एटीन इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट एंड दो सीरीज आपको एट दी बॉटम पीरियोडिक टेबल में मिलेगी ये बच्चों यहाँ पे ठीक है ये दो सीरीज है उस सीरीज जो स्टार्ट होती है 57 एटॉमिक नंबर से एंड होती है 71 से ये 57 है लेंटेनम एंड होगा ठीक है दैट इज ल्यूटेशियम 71 एंड देन एक्टिनियम दैट इज 89 एंड लास्ट में 103 एटॉमिक नंबर दैट इज लॉरेंसियम ठीक है तो ये

दिस वन इज एप ब्लॉक ठीक है एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक एंड एप ब्लॉक एस ब्लॉक वन एंड टू ग्रुप डी ब्लॉक थ्री एंड ग्रुप नंबर ट्वेल्व थ्री टू ट्व 13 टू 18 ग्रुप नंबर दिस वन पी ब्लॉक एलिमेंट एंड दो सीरीज अब ये जो एक्चुअली सीरीज जो है बच्चों ये स्टार्ट होती है यहाँ

समझ लो डी ब्लॉक भी वही पी ब्लॉक भी वही ये जो ए ब्लॉक है ये अपनी तरफ आया हुआ है ठीक है ये ये जैसे मैं पैनल रख रहा हूँ, समझ लो ऐसा है तो ये सीरीज इस तरह से आई है तो ये वाला ए ब्लॉक एलिमेंट डी एस डी पी तो एज इट इज वहीं पे एंड ये ब्लॉक इस तरह से शुरू हुआ है तो ये अप टू ओवर हियर तो इस तरह से बच्चों ये 3D स्ट्रक्चर है डी ब्लॉक एलिमेंट का ठीक है अब ऐसा क्यों बोलता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट है वाई टी सो so, ऐसा क्यों बोला जाता है क्यों बच्चों क्योंकि जो फर्स्ट टू ग्रुप एलिमेंट्स हैं ठीक है, फर्स्ट टू ग्रुप एलिमेंट्स, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है, में, अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे ऑर्बिटल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा होगा ठीक है तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल ये आपने पढ़ा होगा ठीक है सो जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होंगे एलिमेंट्स ग्रुप कॉन्फिगुरेशन एंड पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ आइटम चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक शेल फॉर द एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सो इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो गाइज पहले दो जो ग्रुप ब्लॉक uh, में एलिमेंट्स है ठीक है उनके सारे आई मीन टू से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एलिमेंट्स के एस ऑर्बिटल में इन्वॉल्व uh, होता है एस ऑर्बिटल में इंक्लूड होता है एक्चुअली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द एस ऑर्बिटल एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये फर्स्ट वन एंड टू ग्रुप आर कॉल्ड टू बी एस ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है सिमिलरली ग्रुप नंबर थ्री टू ट्वेल्व नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट क्यू बिकॉज देर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन डी ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है ग्रुप नंबर थ्री थर्टीन टू एटीन ज पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन टू पी ऑर्बिटल ठीक है एंटर हो रहा है पी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है एंड द टू सीरीज जो की थर्ड ग्रुप के सिक्स पीरियड में है एंड थर्ड ग्रुप के सेवेंीरियड में है

फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में अगर आप हाइड्रोजन छोड़ दो हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है क्योंकि हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल पर हाइड्रोजन तो की पोजीशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही जरूर बट अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये एलिमेंट देख लो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम रेडियम ये एलिमेंट देख लो तो ये सारे के सारे मेटल्स है बच्चों ठीक है सारे के सारे क्या है मेटालिक सब्सटेंस है राइट right? और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंक्लूड होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है बच्चों उसको उनको कहा जाता है अलकली मेटल ठीक है पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है अलकली मेटल्स अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऊपर रखा है उसके पीछे भी रीजन है हाइड्रोजन अगर हम ले ले हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिकेशन तो एटोमिकेशन आएगा एलिमेंट्स इज अटल ये सारे मेटल्स है राइट right, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कपैसिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने कीमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट ये कंपेयर टू दी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स और इसीलिए हाइड्रोजन को जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखा है जो कुछ आपने आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा करता है सारे मेटल्स है उनको बोला जाता हैल्का मेटल्स और दूसरे वाला जो ग्रुप है ग्रुप नंबर टू ये अगेन सारे मेटल्स है सिक्स मेटल्स आएंगे बेरिलियम मैग्नशियम कैल्शियम स्ट्रॉटियम बेरियम एंड रेडियम ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटालिक स्पेफ मेटालिक एलिमेंट और उनका कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं अल्कली मेटल याद रखना एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल डन ओके नाउ ग्रुप नंबर थ्री टू ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक कहते हैं हम लोग उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है पहले वाले तो है रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट्स ठीक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाउ हियर ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 अगेन नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ओनली ठीक है जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए नाम है वैसे ही नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंडरस्टूड? तो डी ब्लॉक एलमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स

Uh, इनको कहते हैं हाइरोजनस ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स है आर एलिमेंट्स जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले तो हाईली रिएक्टिवेजी कहा, कहा जाता है दोस्तों क्या बोलता है कैलकोजेंस कहा जाता है ठीक है ग्रुप नंबर वन अल्कली मेटल ग्रुप नंबर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल तो स्पेसिफिक ग्रुप को भी स्पेसिफिक नाम है कुछ ही ग्रुप को एक्चुअली नॉट फॉर ऑल बट एक पर्टिकुलर पूरे ग्रुप को एक सिंपल रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टूड तो ये हो गया हमारा पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल गाइस जहां पे हमने टोटल क्या हिस्ट्री है एलिमेंटल क्लासिफिकेशन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की राइट right? उसके बाद डोबेनेर ट्रेड्स क्या है न्यूलेंस ऑक्टेव क्या है ये जस्ट जस्ट ऊपर ऊपर हमने पढ़ लिया उसकी जरूरत है नहीं अभी 11th स्टैंडर्ड में ठीक है एट द सेम टाइम हमने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी बच्चों पढ़ लिया यहां पे ये देखो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ देन आफ्टर हमने मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा ठीक है एंड देन फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया यहां पे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोस्तों ठीक है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग आगे वाले टॉपिक पर देखेंगे लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप इन पीरियड उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ठीक है एंड देन ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी तो गाइज आज का वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं फिर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ठीक है अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो को ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक एंड टेक केयर